मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की समस्त पात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत लाभ पहुंचाए जाने की कवायद तेज हो चुकी है, जिसके मद्देनजर पोलायकलां तहसीलदार व प्रभारी सीएमओ कैलाश सत्या के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1-2 में पार्षद मनीष तोमर के द्वारा लगातार प्रयास करके हितग्राहियों से मुलाकात कर लाडली बहना योजना की विस्तार से जानकारी दी कर ज्यादा से ज्यादा पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है, ताकि इस योजना से पात्र हितग्राही छूटे ना। साथ ही योजना में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनके संबंध में जानकारी करके उन डॉक्यूमेंट की KYC करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है, जहां अभी तक वार्ड क्रमांक 2 में 117 आवेदनों का पंजीयन हो चुका है और पात्र हितग्राहियों की लिस्ट से चयनित किया जा रहा है, ताकि हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भरपूर सहयोग किया जा रहा है, इस दौरान महिलाएं भी मौजूद रहती हैं। पोलायकलां नगर परिषद द्वारा हिम्मतपुरा माताजी मंदिर में कैंप लगाया गया, जिसके द्वारा लाडली बहना योजना की मैत्री योजना के उसमें हमारे द्वारा प्रचार प्रसार करके महिलाओं को प्रोत्साहन करके हमारे द्वारा पूरी पोलाई नगर परिषद में सर्वाधिक फार्म भर के सरकार की योजना का लाभ हम दिलाना चाह रहे हैं, और जो बच्चे हैं उनके भी फार्म हमारे द्वारा घर घर जाके भरे जाएंगे। इससे सभी लाभकर्ता को सहयोग करेंगे। वार्ड 2 में लगभग 170 फार्म भरे जा चुके हैं, और जो बच्चे हैं उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे लक्ष्य तक पहुंच सके और लोगों को उसका लाभ मिल सके। पोलायकलां से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।